U equal to क्या है? Since U equal to U to the power minus one by two हो गई तो PDF अब आप भी आएंगे. PDF PDF क्या है? Minus two power three minus one to five x dx. क्या बना है? U power two से differential minus one is plus तो ये बनता है three minus one to five x और dx. E की power three x और minus में क्या है? Two power x. क्या लिखोगे? e to the power 3x n तो भाई e to the power क्या होगा? minus 2 log x. यार इसको लिखोगे ये minus 2 x to the power minus 2 बनेगा. ये ऑफेंसिव तो x to the power minus 3 to the power 3x. ये u की वैल्यू हो गई. अब आप क्या निकालोगे? I equal to क्या था? The q minus 1 by u is square b square minus 1 by u की power 3x. u की वैल्यू क्या है? 9 माइनस का स्क्वायर बताओ ना. और क्या माइनस 1 बाय 2 की स्क्वायर की स्क्वायर करोगे ना? देखो इसमें आप इसका स्क्वायर करोगे वो b का स्क्वायर करोगे b की वैल्यू ये इसको स्क्वायर करो तो माइनस 1 का स्क्वायर 4 का रूट ये कैंसिल हो जाएगा ना. फिर माइनस तो बचा ही रहेगा ये वाला. और इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा 3 माइनस का 2 बाय x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 t की पावर dx. क्या है इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा? 3 का 0 होगा. फिर इसका क्या आएगा? प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर एंड प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर 4 तो 4 अपॉन x स्क्वायर आया ना. माइनस क्यों? 1 माइनस आ रहा है. अच्छा 1 माइनस आ रहा है तो x स्क्वायर हो जाएगा. इसका होल स्क्वायर ऊपर करो 9 माइनस का 5 बाय x और ये क्या माइनस 9 माइनस का क्या कट कोई भी करोगे तो क्या आएगा आपको? 4 * 3 6 6 upon x plus 4 by x square और कितना है? ये plus का 2 by x square हो रही है. 12 over x है. क्यों? आंसर. ये 4 upon x square है? आंसर यही है. आंसर में ये कैंसिल हो गया 9 पे 9 कैंसिल हो गया. देखो 4 upon x square नेगेटिव ये पॉजिटिव तो माइनस का 2 upon x square बना लो. अब आप क्या करोगे? सिंपल d 2d upon dx square plus i into d equal to s निकाल दो इसमें एंड s इक्वल टू r अपॉन u. एंड s इक्वल टू r अपॉन u. s की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू तो ये है ना आपके पास. r की वैल्यू ये है ये लिख दीजिए. u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू ये है. Now d to b upon dx square plus y to b equal to s. क्या आएगा ये d to b upon dx square plus y y y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू क्या है? minus 2 upon x square और प्लस का और इक्वल में कितना है? यहाँ b to b equal to s plus की वैल्यू क्या रहेगी? बन रहेगी ना इसमें बन रहेगी तो इसको क्या आंसर होगा? देखिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें. आपको याद आया ये फोर्थ चैप्टर बना तो आपको x स्क्वायर करने ऐसे ही अगर फोर्थ चैप्टर बना तो उससे कोई ऐसे क्लिक किया होगा आपने. क्या करोगे इसमें? x इक्वल टू की पावर दैट इंप्लाई z इक्वल टू log x इसको क्या लिखोगे? देन और ये क्या बाहर लिया इक्वल टू x स्क्वायर x की वैल्यू क्या है? इक्वल टू के खरा और क्या लिखोगे यहां? a इक्वल टू x स्क्वायर माइनस n x स्क्वायर माइनस n माइनस c इक्वल टू 0. बात करो इसके क्या बनेगी? m माइनस 2 n प्लस 1 ये रहेगा खरा. तो m इक्वल टू क्या रहा है यहां? माइनस 1 तो cf क्या बना? मतलब e to the power minus n plus 1 e to the power plus 2z. pi क्या रहेगा? pi equal to 1 upon कितना रहेगा ये? यहाँ से इसकी power में लिख दो p minus 2 e plus 1 और कितना e to the power 2z. तो वहाँ रखो के जहाँ लिखो ये d minus 2 और यहाँ रखो e plus 1 p to the power 2z इक्वल 1/3 में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 के इक्वल टू
लिखोगे बाई पर टू क्या आएगा बी पर टू कितना है सी एन प्लस सी आई नोट करो पहले इसका काम हो जाएगा ना करो पहले इसको बढ़ेगा
इसको पढ़ाए कंप्लीट या हो जाएगा, हो गया ना? ठीक है, आगे देखो। इन्होंने आधा पेड़ लगा लो। देखो इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन हम देंगे। देखो इसका 15 नंबर का क्वेश्चन ये है। इसमें d2 y ओवर dx स्क्वायर, अरे 15 नंबर का 18 नंबर का क्वेश्चन से सर आप देखो बता रहे हैं बस। Next, dy over dx plus y into 1 plus 2 tan square x into y equal to tan sec x। एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए आप, फिर भी क्वेश्चन को चेक कीजिए, चेक करो जल्दी। सही है तो इसमें भी dy square x equal to tan x u equal to क्या है 1 plus 2 tan square x। r की वैल्यू क्या है sec x tan x, ठीक है ना? p q r की वैल्यू हो गई नहीं sec i equal to या पहले u निकालने e equal to u power minus 1 by 2 p dx e to the power minus 1 by 2 p की वैल्यू क्या है 2 tan x dx। क्योंकि मैंने क्या आपने बात 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 बाय 2 b स्क्वायर b स्क्वायर है तो tan x का स्क्वायर करो 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 बाय 2 tan b को dx का मतलब tan x का क्या होगा tan x sec स्क्वायर x का 2 से 2 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल क्या बनेगा ये एक बात बताओ। यहां अगर हम ये कहें दो में से एक आ हाँ वो तो होना है लेकिन जो आएगा मैं ये कहता हूँ कि एक यहाँ से वन और एक टेन स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा एक टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बचे एक टेन स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा नहीं तब नहीं ये आया थी जो एस इक्वल टू क्या आएगा आर अपॉन यू आर की वैल्यू क्या है देखो दो सेक से डिवाइड करूंगा ना सेक स्क्वायर क्या मिलेगा जीरो जीरो है इक्वल में क्या आएगा मैंने एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स टेन एक्स और इंटीग्रेशन जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इधर इंटीग्रेशन पर डी डी ओवर डी एक्स रह जाएगा और क्या बनेगा
z square x tan x dx plus any constant. क्या आएगा ये tan square x होगा ना इसका, देखो 1 by 2 और आएगा ना, कैसे tan square का differentiation ये बनना गाली को देखो tan x होगा, differentiation करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan x बचेगा फिर tan का करोगे sec square आएगा, या तो आप फिर इसमें या फिर आप ऐसा कर सकते हो tan x पर टर्म डी पुट करके कर सकते हो। अब देखो ये किसकी वैल्यू बनी dv / dx अगेन इंटीग्रेशन dv = क्या आएगा dv = ये बनेगा 1 / tan square x dx / c1 dx, क्या करोगे इसमें भी कोई और tan कांस्टेंट आएगा dv का क्या हुआ अभी यहां इसका इंटीग्रेशन करोगे तो tan x को क्या लिख सकते हो sec square x - 1 dx plus c1 dx plus c2 क्या बनेगा क्या आंसर v = 1 / sec square x का क्या होगा tan x - x tan x - x plus c1 x plus c2 कोई प्रॉब्लम यहां c1 x यहां c1 x लिखो दे और minus 1 by 2 plus c1 दोनों को कोई नया कांस्टेंट दे दो तो 1 by 3 लिखो कुछ plus c1 x plus c2 then y = क्या रहा सॉरी v = क्या आया ये आएगा सभी तो y = क्या आएगा ये इनटू v वैल्यू रख दोगे आंसर हो जाएगा ना नोट कीजिए बोलो 1 upon 2 1 by 2 tan x ले लिया minus 1 by 2 x आपको c1 x आपको x power ले लेते c1 minus 1 by 2 आपको अपने एक constant c1 मान लेते चलो इसको नोट करो नया मेथड अरे सी चालू हो गई ना अभी तो नहीं बात कर रहे मैं अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछ लेना उसमें तो भाई क्या ऐसा तो सब पहले इसको नोट कर लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो समझना हो गया ना हो गया करो तब कितनी डाल रहा हूँ मैं तेरे साइड पर
नहीं हां कर रहा हूं ये आज के ये था पेपर कैसा आया ऐसा तुम्हारे लिए दे दिया जाए सर हम तो केस नहीं करेगा राजेश को पेपर पेपर वाले ने दे ये अपना मास्क वाला काम है हो गया एक दिन आता एक दिन नहीं आता क्या समझ में आएगा किसी चीज में अब हेडिंग डालो में लिखो अगली एक्सरसाइज है ना उसके लिए चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल Change of the independent variable. इसमें लिखो in this method we change six C In this method, we change independent variable x. We change independent variable x by z. By z. In standard form. Then we get ये भाई याद आ रहा है इवन किया और इवन किया रात आदमी मेरे दिल में आपको लागू करना होगा एग्जाम्पल करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं सर हाँ एग्जाम्पल तो ये रहे थोड़ा सा अलग कैटेगरी रहेगा मुझसे क्या करूंगा शायद कुछ सही दिखाई दे सही है सर आपको देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ सॉल्वेशन मेथड में
यहां कोई भी वैल्यू ऐसी रहेगी जिसका स्क्वायर हो रहा हो y का कोएफिशिएंट, यहां पॉजिटिव अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव को ले लेते। हां मतलब क्वेश्चन में तो पांच भी है, क्वेश्चन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये भी समझाएगा आपको कि यहां आपको y का कोएफिशिएंट ऐसा होगा कि यहां स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, नहीं बनता स्क्वायर के फॉर्म में तो स्क्वायर को बन जाएगा, यानी आपको यहां y का कोएफिशिएंट ना cos स्क्वायर इसको क्या लेना है d / dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर x। अगर यहां माइनस cos स्क्वायर x होता ना तो आप माइनस ले लेते, प्लस का ही लेना था, ठीक है हो गया, अगर स्क्वायर कर लेते ना तो माइनस का क्या हो जाता 5 का जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहां से d / dx का अपना cos x, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करो d2z ओवर dx स्क्वायर क्या आएगा sin x, डिफरेंशिएट इसका इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू यहां p1 स्क्वायर आ रहा है, मैंने निकाल लिया तो ये d2z ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और इसको यहां से इसको इंटीग्रेट करो d2z ओवर dx उधर ले जाओ cos x dx इंटीग्रेट करो यहां क्या आ जाएगा इक्वल टू cos x sin x, या कांस्टेंट वगैरह नहीं लेते इंटीग्रेट कर देंगे तो कांस्टेंट आगे आ जाते हैं, एक इक्वेशन में एक ही बार कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो दो तीन तीन बार की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपके पास में z की वैल्यू आ गई, अब आपके हाथ में b1 r1 की वैल्यू होने फॉर्मूले आपके सामने b1 r1 इनको लर्न करना होगा आपको, देखिए सर देखो आप इसको जेड में रिप्लेस कर रहे हो ना तो ये जेड की फॉर्म में बनेगा, अभी बता देंगे कहां जरूरत पड़ेगी जेड की, आप यहां पर जाएंगे सर और पड़ेगी d2z dx2 की वैल्यू क्या माइनस sin x और क्या प्लस b, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू क्या है, अरे b की वैल्यू है tan x, तो क्या लिखोगे प्लस का tan x और क्या इंक्रीमेंट d2z dx का है, d2z dx है कि cos x, ठीक है अपॉन में क्या d2z dx का होल स्क्वायर है तो यानी इसका होल स्क्वायर का ये ना cos स्क्वायर है, आप समझ गए होंगे ये tan x cos x sin 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 x cos square x क्या हो रहा है, ठीक है देन इस इक्वेशन में वैल्यू रखो यहां d2 y / t z square प्लस t1 b1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू 0 है सर, t1 की वैल्यू 0 और कितना है b1 प्लस t1 b1 की वैल्यू 1 r1 की वैल्यू 0 क्या है यहां से अरे x नहीं आएगा ना इंडिपेंडेंट z है ना तो c1 e की पावर z और यहां क्या लिखोगे cos 1z + c2 sin सॉरी c1 cos z + c2 sin z बात कर रही है ये वैल्यू किसकी है, अरे y के इक्वल ना ही y तो ये y के इक्वल ना e की पावर 0 तो 1 होगा क्या रहा, c1 cos z + c2 sin z क्या आएगा y = c1 cos z, z की वैल्यू क्या है
अब पता लग गया ना 5 मिनट की लेट गया sin x है ना तो क्या लिखोगे आप cos sin x sin x plus c2 sin sin x कोई प्रॉब्लम वो कोठा वाले समीर वो कोठा जल्दी से समझो इसमें कुछ हिंट के तौर पर लिखना होगा तुम लोग देखो मैं वो बात बता रहा हूँ कि जैसे हमने वहां लिया था ना यहाँ डी जेटा डी एक्स का होल स्क्वायर का प्लस स्क्वायर एक्स लिया बाई का कोएफिशिएंट तो देखो इनमें क्या क्या लेना है मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में आओ ये है ना इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे पहले डिवाइड करोगे ना इसको 1 प्लस x का होल स्क्वायर से डिवाइड करके क्या बनेगा y का कोएफिशिएंट पूरे होल में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा अब इसमें क्या लोगे 2 अपॉन देखो अगर 2 को लेना चाहे तो ले सकते हो कांस्टेंट को छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो ठीक है ना होल स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा वो सुन लो जैसे आप यहां यहां अगर क्वेश्चन में इतना होता यहां 2 होता मान लो 2 cos x / 4 cos x / होता समझना 4 cos x / को आप ले लेते तो क्या आता 2 cos x आता क्या आता है 2 cos x 2 cos x आता और देखो इसको निकालते हैं ना इसको q1 को तो क्या लिखते ऊपर क्या आता 4 cos x और डिवाइड करते किससे करते इसका होल स्क्वायर से ये भी तो 4 cos x था u की वैल्यू 4 cos x इसकी भी वैल्यू 4 cos x कैंसिल हो जाता इतना ही आता ना कांस्टेंट ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोशिश करना ना ले रीजन मान लीजिए 4 की जगह 2 आता तो रूट 2 में लेके चलना पड़ता ना फिर प्रॉब्लम करता ना वो रूट 2 बार बार लिख के चलना पड़ता अच्छा सा नहीं लगता तो इसीलिए कोशिश करना ना ले कांस्टेंट ठीक है ना ले ले तो ऐसा कुछ नहीं है कि सवाल ना होगा फिर भी अच्छा देखिए अच्छा ये बताओ सेकंड नंबर का क्वेश्चन है क्या ले रहे हैं अरे ये बताओ सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं sin स्क्वायर x अच्छा थर्ड वाले को बता ही दिया फोर्थ वाले में क्या ले a स्क्वायर अपॉन x छोड़ ले लो या फिर 1 अपॉन x छोड़ ले लो फिफ्थ वाले में क्या करोगे डिवाइड करोगे ना पहले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से क्या बनेगा फिर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो इसको ही ले लेना रूट में बन जाएगा वो x अपॉन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसके बाद सिक्स वाले को भी डिवाइड करोगे पहले डिवाइड करोगे एक एक्स कॉमन लेके एक एक्स कॉमन कैंसिल हो जाएगा ना रूट में बनेगा कोई दिक्कत नहीं बनेगा तो बनेगा सेवंथ वाले में भी ऐसे ही करना है सेवंथ वाले में तो सीधे 4x स्क्वायर 2x हो जाए 2x स्क्वायर हो जाए 4x स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा एट्थ वाले में x से डिवाइड करोगे क्या बनेगा 4x स्क्वायर हो जाएगा बनेगा ही ऐसा जैसा कि आप उसका स्क्वायर रूट ले ले ठीक है ना नाइन्थ वाले में क्या है कि sin स्क्वायर sin x बन जाएगा स्क्वायर रूट ले ले टेंथ वाले में क्या है ये sin स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x ना तो उनको छोड़ दो sin स्क्वायर रूट ले ऐसे ही यहां 11th में क्या है की पावर 2x है ना पावर x की पावर x हो जाएगा स्क्वायर और इसमें 12th में क्या है x स्क्वायर की पावर -2x तो क्या रहेगा x की पावर -x समझ गए होंगे पहले लेकिन देखिए इस तरह से तुम्हारी बुक में मिलेगा तुम्हें जो मैंने कराया है दो मेथड दे रखे एक मेथड तो यही है जो मैंने कराया है और एक अलग है तो अलग वाले से दे रखे ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको क्या करना है इसको यूज में लेना है जो मैंने बताया आपको ठीक है ना इस तरह से पहले एग्जाम्पल्स करोगे इसके बाद क्वेश्चन करोगे पता लगा तेरे लिए क्या अब तो